हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्राइडल उबटन वीडियो। ये एक DIY उबटन है, इससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एक तो ब्राइडल ग्लो मिलेगा, फुल बॉडी पॉलिश हो जाएगा। वुड बी ब्राइट, इस ब्राइडल उबटन को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो लोग ब्राइट नहीं हैं वो भी इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम सभी चाहते हैं हमारी स्किन ब्राइट की तरह ही ब्यूटीफुल लगे। इससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। इस उबटन को बनाने के लिए हमें लेना है 1 टीस्पून मसूर दाल। मैंने मसूर दाल को पाउडर फॉर्म में बना लिया है। मसूर दाल एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है। यह हमारी स्किन से सारी स्पॉट्स, स्कार्स एंड पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं। साथ ही इसके अंदर रहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, जिसके वजह से स्किन बहुत ही रेडिएंट, क्लियर एंड स्मूथ दिखने में हेल्प करते हैं। एक चम्मच ओट्स मिलाएंगे। ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहते हैं, एंड ये एक नेचुरल क्लींजर भी है। स्किन से एक्सेस ऑयल को घटाते हैं, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए ओट्स बहुत ही अच्छा होता है। और फिर मिलाएंगे एक चम्मच बेसन। बेसन हम सबको ही पता है बेसन की कितना सारा बेनिफिट है। ये इंस्टेंट टैन रिमूव करते हैं, फेयरनेस लाते हैं, फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं। और फिर हम मिलाएंगे दही। दही की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एक थिक पेस्ट बनाने के लिए जितना आपको चाहिए उतना आपको दही डालना है। देन हमें डालना है थोड़ा सा हल्दी। उबटन में हल्दी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हल्दी के बिना उबटन नहीं बनता है। सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। इस उबटन को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो 10 दिन के लिए। वुड बी ब्राइट एटलीस्ट 2 महीने पहले से इस उबटन को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। एवरीडे बेसिस में जो फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हो उसे लगाना एकदम बंद कर दीजिए, एंड इस उबटन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपकी स्किन की बहुत ही ज़्यादा फर्क आपको नज़र आ जाएगा। इस उबटन को फुल बॉडी एंड फेस पे लगा के 20 मिनट्स तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है, और फिर नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिए। एंड आप इसे अपने नीज, एल्बोस, जहाँ जहाँ पे कालेपन ज़्यादा होता है वहाँ पे लगा सकते हो। इससे आपकी स्किन की कालेपन दूर हो जाएगा, इसलिए इस उबटन को लगाना आज से स्टार्ट कर दीजिए। जो जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है वो आपको अपने किचन में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो ये था मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।